Hey guys, what's up? This is Deepak and welcome to my channel Indian Vlog. So guys, today is the first time when me and Tani having a different day off. So I'm just going to pick her up from her accommodation and then I'll see you back. So guys, मैं अपने कार्ड में पैसे डलवा रहा हूँ. बैलेंस नहीं है तो हेलो 20. थैंक यू. सो गाइस, मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे और अब मैं जा रहा हूँ तानी को लेने. आई थिंक तानी अभी ड्यूटी में थी थोड़ी देर पहले और शी जस्ट वेटिंग फॉर मी. तो चलते हैं मेट्रो में, फिर मिलते हैं. सो गाइस, ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है रशिदिया का और अभी मेट्रो में ऑलमोस्ट खाली है मेट्रो. आप देख सकते हैं अभी कोई है नहीं. और यहाँ पे आपको मैप मिल जाएगा, एक रेड लाइन है एक ग्रीन लाइन है. तो अभी मैं रेड लाइन में हूँ और दिस इज़ द लास्ट स्टेशन रशिदिया और यू कैन से फर्स्ट स्टेशन फ्रॉम हेयर. मुझे जाना है देरा जो कि यहाँ से 6-7 स्टेशन छोड़ के है जो कि लगेगा 15 मिनट मैक्सिमम. तो लेट्स गो. A few moments later. So guys, मैं आ गया हूँ मेट्रो से और मैं जस्ट हूँ अभी सिटी सेंटर देरा के. आप देख सकते हैं मॉल है देरा सिटी सेंटर मॉल और यहाँ पर है मेट्रो और यहाँ पर. तो अगर आप देरा सिटी सेंटर मॉल आना चाहते हैं तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं और बाय बस भी आप देरा तक आ सकते हैं. तो मैं फ़िलहाल तो अभी टाइम लैप्स ले रहा हूँ अपने कैमरे से और मेरा कैमरा रखा हुआ है यहाँ पर. सो मैं तानी के पास जा रहा हूँ और जस्ट 5 मिनट बाद हम दोनों मिलने वाले हैं. फिलहाल मेरा टाइम लैप्स ख़त्म होने वाला है तो उसके बाद मैं चलता हूँ. आप ये जो देख रहे हैं ये है रबर का, इसमें आप दौड़ सकते हैं भाग सकते हैं वॉकिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा है. नंगे पांव आप चल सकते हैं, ये पूरा रबर का बना हुआ है. और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, ये पूरा गार्डन है. अगर आप शाम को आना चाहते हो टहलने के लिए तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का व्यू. और यहाँ पर बेंचेस वगैरह हैं, यहाँ बैठ सकते हैं पूरा. और यहाँ पर ये घास आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर आप बैठ सकते हैं. पीपल आर जस्ट वॉकिंग एंड रनिंग around there. So you can see the weather is cloudy. सुबह से यहाँ पे बादल लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा और तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है. सुबह से बादल लगे हुए हैं और 21 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मौसम हो रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है. तो सामने ही मैं तानी का जो है होटल देख सकता हूँ. शी इज़ स्टिल इनसाइड द होटल एंड आई एम जस्ट वेटिंग हेयर इन द गार्डन फॉर हर. But I think she will be here until 6:10. So time is right now 6 o'clock. So maybe she will be here until 6:10. So I need to wait for her. So let's see if she will come in 10 minutes or no. मुझे वेट करना पड़ेगा. और तो कोई बात नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा और आप देख सकते हैं पूरे बादल लगे हुए हैं और ऐसे मौसम में कितना भी वेट करा, no problem at all. गाइस, मैं आपको दोबारा बता दूं एक बार और, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं और तानी जो है हम दोनों का ऑफ अलग अलग है. और आज मेरा ऑफ है, तानी का कल ऑफ है. तो अभी मैं जब उसको लेने के लिए आया हूँ. सो गाइस, आज के लिए ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करी हमने क्योंकि हम दोनों का ऑफ अलग है. तो इसलिए ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है कि हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं का व्यू आपको दिखाएंगे, तो ज़्यादा प्लानिंग नहीं है. फिलहाल तो हमने सोचा है कि हम आज मंदिर जाएंगे. ये जो वेदर है अभी गर्मी की है आने का और ठंड के जाने का वेदर है.
तानी का कल ऑफ है, मैं कल ड्यूटी पे होऊंगा और शी विल बी बोर टुमारो आई थिंक बिकॉज शी विल बी अलोन राइट विदाउट मी. तो विदाउट मी चलता है, कभी कभी होना चाहिए ऐसे, नो प्रॉब्लम. सो गाइस तानी आ गई है और मैं छुपा हुआ हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका. देखो पीछे से झटका देता हूँ, देखो पंग. कैसा लग रहा है, कैसा शौक पहुंचा है? डरा दिया यार, अभी तो हट हो गई. काले नहीं, देखो पता क्या है, जब शेविंग रहती है ना तब इंसान काला लगता है. पांक इसलिए ज्यादा लग रहा हूँ. मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा. कितना बजे कब से अपने सब्सक्राइबर के साथ बात कर रहा था तुम. सो हाउ वाज योर डे? गुड. डरा दिया, यस मिशन सक्सेसफुल. पता है क्या हुआ, मेरे काम खत्म हो गए थे. ठीक है, आज मतलब डे लास्ट था, इन्वेंट्री होनी थी. इन्वेंट्री किया मैंने, सारी गड़बड़ कर दी. किसने? मैंने. वेरी गुड. हाँ फिर मैंने. सो गाइस तानी मेरे साथ है और अब हम जा रहे हैं. हाय गाइस. हाय गाइस. सब्सक्राइब करने के लिए बोलो. ये नहीं बोलेगी. तो गाइस ठीक है, अभी हम दोनों थोड़ा थोड़ा थक गए हैं तो आपको मिलते हैं अब सीधा मंदिर में. आपको पता नहीं है, अगर मैं बता दूं आपको, जो मंदिर है वो है बर दुबई में. तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और फिर आपको मिलते हैं. बाय. सो गाइस थोड़ा वीडियो यहाँ पे रोके, सिर्फ आपको ये बताना है क्योंकि तानी ड्यूटी से आई थी और बहुत थकी हुई थी. जो हमारा प्लान था टेम्पल जाने का वो हमें कैंसिल करना पड़ा. तो गाइस नेक्स्ट टाइम अगर मैं टेम्पल जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, तो मैं वहाँ का एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगा और आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा. सो गाइस इतना ही बताना था, लेट्स कंटिन्यू. हम आ गए हैं अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन पे. कितनी ज़्यादा भीड़ है मेट्रो में, मतलब दिल्ली का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं दुबई वाले. इतना रश, इतनी पॉपुलेशन हो रही है. तनु क्या चाहिए तुमको? जो चाहिए वो आप दिलाई नहीं रहे. अब इन मैडम को सूट चाहिए. मैडम की आज सैलरी आ चुकी है. इन्वेस्ट करना ही है. इन्वेस्ट कर रही है मैडम, सूट पे इन्वेस्ट कर रही है. मैडम को इन्वेस्ट का मतलब नहीं पता है, मैडम सूट पे इन्वेस्ट कर रही है. स्पेशल ऑफर है? यस स्पेशल ऑफर. सो गाइस हम थोड़ा शॉपिंग कर रहे हैं और अभी हम हैं डे टू डे में. थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं रूम पर. तो तानी अंदर गई है, मैं भी अंदर जा रहा हूँ. मिलते हैं अंदर. सो गाइस अब हम आ गए हैं मार्केट में और यहाँ पे आपको इतने कपड़े मिलेंगे कि आप देखते देखते खरीदते खरीदते थक जाएंगे. और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बैग्स वगैरह है. यहाँ पर आपको वॉलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स हर तरह के. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सैंडल्स वगैरह, शूज़ वगैरह, लेडीज़ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वुमेंस जेंट्स हर तरह के शूज़ आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं. यहाँ पे हर तरह के शूज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी आपको चाहिए. चलिए अब टी शर्ट्स में चलते हैं. और इधर पे हैं ढेर सारे टी शर्ट्स और इधर को भी टी शर्ट्स और इधर भी टी शर्ट्स.
मतलब इतने टी शर्ट हैं कि मतलब चलो भाई गए तो थोड़ा टी शर्ट ले लेता हूँ, दो चार टी शर्ट ले लेता हूँ। वैसे भी गर्मी आने वाली है, दुबई में ज़्यादा ठंड हो नहीं रही है अभी। सी दिस इज स्किन प्रॉब्लम, अगर आपको भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब स्किन प्रॉब्लम हो रही है आपको, मुझे भी हो रही है, दिखाना पड़ेगा। और गाइज इस तरह के मार्केट जो हैं डे टू डे 1 to 10 आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ दुबई में। और इन मार्केट की जो खासियत होती है वो ये होती है कि यहाँ पर कपड़े इतने चीप होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जिस तरह से आपको दिल्ली में मार्केट लगते हैं, मुंबई में मार्केट लगते हैं, आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे उनके, तो उसी तरह के जो मार्केट है ये भी उसी तरह के हैं। यहाँ पर इतने सस्ते सामान मिलते हैं कि आप यू कांट बिलीव। मतलब जो चीज़ आपको 100 रुपये की इंडिया में मिलेगी वो चीज़ यहाँ पर आपको 30 रुपये की या 40 रुपये की मिलेगी। तो अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो दुबई में, अगर आप आए तो 1 to 10 या डे टू डे में ज़रूर जाएं। यार तनी बैग नहीं लिया तुमने? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ। एक बैग देखा था मैंने तुम्हारे, यार वो रहा, वो देखो ये है, ये लो ना ये। कैसा लग रहा देखो। मैडम फिर गुस्सा हो चुकी है, मुझे लगता है हर व्लॉग में गुस्सा होगी, सो अभी थोड़ा गुस्सा हो चुकी है बट थोड़ा हंस रही है, थोड़ा ब्लॉग में हंसना पड़ता है, दिमाग खराब। तो एक शॉप से शॉपिंग खत्म, अब दूसरे शॉप में। और यहाँ पे आपको वॉचेस मिल जाएंगी, लैपटॉप मिल जाएंगे, पानी अंदर क्या कर रही। और गाइस हम शॉप में आ चुके हैं, यहाँ पर 60D 80D कैनन सारे कैमरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको GoPro 6 भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। और GoPro 6 जो यहाँ पर है आपको 1350 का, मतलब 1350 ग्राम का आपको मिलेगा। और उसका जो माइक है जो कि इंडिया में बहुत मुश्किल है लेना, यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अगर दुबई में, आपका कोई फ्रेंड है अगर आप दुबई में हैं तो ईज़िली आप इसको ले सकते हैं। हीरो 6, हीरो 5 और यहाँ पे हीरो 4 भी है। और ये कौन सी कंपनी है, थाई आई। तो यहाँ पे एक्शन कैमरा आपको मिल जाएंगे। और ये रोड का जो है यहाँ पे माइक्रोफोन भी रखा हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, गिम्बलर भी मिल जाएगा, कर्मा भी पड़ा हुआ है। A few inches later. तो गाइस बहुत थक गए हैं और अब जा रहे हैं हम दोनों रूम पे, ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं हूँ अपने रूम के नीचे अभी और सो ऐसी चीज़ें सिर्फ दुबई में आपको दिख सकती है, आप देख सकते हैं, पता नहीं कौन सा पुराना मॉडल है। मैं अभी अपने रूम के नीचे हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। तो कल रात को मैं और तानी आ गए थे रशीदिया मेट्रो स्टेशन से और हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सो उसके बाद हम रूम पे आए और सीधा सो गए। फिलहाल अभी तानी है रूम पर और मेरी ड्यूटी है जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ। और मंदिर जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं मंदिर जाऊँगा और वहाँ का अलग सा व्लॉग बनाऊँगा और वहाँ का पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊँगा। सो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंडियन व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।